हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कर रही थी अपने टोस्टर की डीप क्लीनिंग, तो सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर की जाए। तो हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं, हम उनको डेली बेसिस पे तो साफ़ करते हैं, लेकिन उनको कभी मंथली या तो वीकली उनकी डीप क्लीनिंग चाहिए, तभी वो मेंटेन रहते हैं और ज़्यादा चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले मैंने इसकी ट्रे निकाल ली है और इसमें देखें कितना ब्रेड क्रम्स जमा हो चुके हैं। इसको वॉश कर लेंगे। ट्रे मैंने धो लिया है पानी के साथ, थोड़ा सा लिक्विड लगा के अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाता है। वैसे तो ट्रे दी होती है इसमें, लेकिन फिर भी थोड़े से ब्रेड क्रम्स इधर उधर से गिर जाते हैं टोस्टर में, तो हम इसको उल्टा करके अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर लिया है सिरका, और सिरके के साथ ही हम टोस्टर के अंदर से करेंगे सफाई। और सफाई करने के लिए मैंने एक टूथब्रश लिया है, जो कि मैंने बिल्कुल ही नया लिया है। किचन की सफाई करने के लिए नया टूथब्रश यूज़ करें, क्योंकि हमें किचन की हाइजीन भी मेंटेन रखनी होती है। और फिर चाहे आप हल्की क्वालिटी का लेकर रख लें, लेकिन नया यूज़ किया करें, यूज़ ब्रश ना यूज़ किया करें। चारों साइड पर हम ऐसे सिरका लेते जाएंगे और ब्रश के साथ ही अच्छी तरह से क्लीन करते जाएंगे और ये हो जाएगा। बाहर के जो एरियाज हैं, इसको भी ब्रश के साथ साफ कर देंगे। और यहाँ पर एक बोल ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसके साथ ही मैं ऐड कर लूँगी एक दो ड्रॉप्स लिक्विड के, डिशवाश जो लिक्विड होता है उसके। और उसमें एक स्पंज ले लेंगे कुछ इस तरह से, उसको डिप करके उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। स्पंज के साथ हम जो बाहर कुछ स्टेंस है ना, जो हार्ड स्टेंस जो जल के हो जाते हैं टोस्टर पे, उसको ऐसे कुछ रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे। आराम से ये साफ हो जाएगा। कोई भी साफ कपड़ा ले लेंगे, उसको हल्का सा पानी से गीला करके ये सारा जो है इसको साफ कर लेंगे और ये आराम से साफ हो जाएगा। यहाँ पर मुझे थोड़े से स्टेन नजर आ गए थे, इनको भी मैंने साफ कर लिया है स्कॉच ब्राइट से। बाहर से इसकी सारी साइड्स में DIY स्प्रे के साथ साफ़ कर लूँगी, जो मैंने खुद ही घर पे बनाया है। इस स्प्रे के साथ अप्लायंसेस बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं और इनमें शाइन भी आ जाती है। साफ़ क्लॉथ के साथ बस हम इसको साफ़ कर लेंगे और फिर हम इसकी वायर और नीचे से भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, और फिर इसकी ट्रे वापस लगा के और यहाँ पर हमारी टोस्टर की सफाई पूरी कम्प्लीट हो जाएगी। ट्रे को हमने धो लिया था और अब बस इसको थोड़ा सा वाइप करके इसको वापस लगा देंगे। तो टोस्टर की सफाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। जब आप यूज़ करें उसके बाद इसको हमेशा कवर करके रखें, ताकि इसमें कोई भी डस्ट या तो कोई इंसेक्ट इसके अंदर ना जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल के आइकॉन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।